वहीं राजधानी देहरादून में एफडीए भवन का विधिवत रूप से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकार्पण किया है। 26 करोड़ की लागत से तैयार भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में कई मंत्री भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि खाद्य एवं ड्रग विभाग को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, जिससे गुणवत्ता युक्त दवाएं और खाने पीने की चीजें लोगों को मिल सकें। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की कमी को लेकर भी लोक सेवा आयोग को भेजे गए अध्याचन पर जल्द से जल्द कार्रवाई अमल में लाए जाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे विभाग को कर्मचारियों की कमी से न जूझना पड़े। भवन के बन जाने से यहाँ बहुत सारी जो मैन पावर का ह्रास होता था, हमारी बहुत सारी सामर्थ्य अन्य कामों में लगती थी, आने जाने में लगती थी, उसका एक तो समाधान होगा और जल्दी से त्वरित रूप से यहाँ पर ये सब सुविधा यहाँ प्राप्त हो जाएगी और अपने आप में ये एक बहुत बड़ा काम यहाँ पर आज प्रारंभ हुआ है। इसके साथ ही जो पोस्टों की जो बात है, वो पोस्टें हमारी प्राथमिकता में हैं और हर कीमत पर हम तय समय सीमा पर सारी पोस्टों को भरने की प्रक्रियाओं को कर रहे हैं।